गाइज वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इस वीडियो में व्हाट्सएप के ऐसे फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐप स्टोरेज एंड डेटा, राइट, ये आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो चलिए हम मोबाइल स्क्रीन पे ले चलते हैं और आप वहाँ पे देखिए, आपके लिए ये बेनिफिट जरूर साबित होगा। ठीक है, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और कुछ सुझाव अगर या कुछ आपको सजेशन देना होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा ताकि मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ उस वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। क्या हमारा मोबाइल स्क्रीन, सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट्सएप पे, राइट। ये रहा हमारा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा स्टोरेज एंड डेटा, राइट, उस पर आपको क्लिक करना है। स्टोरेज एंड डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको मैनेज स्टोरेज दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल में जो स्पेस फ्री है वो 15 GB फ्री है, राइट, और जिसमें से 1.2 GB कवर कर रहा है व्हाट्सएप जो कि यूज में है। मेरा 1.2 GB है तो आपको पता करना है कि 1.2 GB कैसे है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो चैट किया है या किसी से फ़ोटोज वगैरह लिए हैं या डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, वो सब सारा चीज़ यहाँ पे आपको उपलब्ध है। देख सकते हैं जैसे सुधा वर्मा, तो यहाँ पे आपको 392.2 MB है, तो इतना फाइल ट्रांसफ़र हुआ है, देख सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर रंजीत पे जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं 65 MB लार्जर फाइल है, राइट, इसलिए इतना MB कंज्यूम कर रहा है। 170 MB यहाँ फाइल है, आप देख सकते हैं 170.7 MB यहाँ पे। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ ताकि स्पेस खाली हो सके, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप कितना MB यूज कर रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होप्स हो गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल।